तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एश नॉर्दर्न रीजन जाने के लिए हर एक रीजन में ट्रैवल करता है। सबसे पहले वो होइन में जाता है, जहाँ पर वो ग्राउडन को डिफीट करके सनलाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आगे जाके वो कैलोस रीजन जाता है, जहाँ पर उसको सैना मिलती है और वो भी उसके साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो अलोला में जाता है, जहाँ पर वो एक चैलेंजर को काफी इजिली डिफीट कर देता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। एश अपने नॉर्दर्न रीजन की जर्नी कंटिन्यू करता है, जहाँ पर वो गला रीजन पहुंच चुका था। ब्रॉक मैप निकालता है और सब मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं, बट उनको देखने को मिलता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पर एक माउंटेन था जिसके आगे काफी बड़ा समुंदर था। एश बोलता है तो क्या नॉर्दर्न रीजन में जाने का कोई रास्ता नहीं है? ब्रॉक बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक टनल होनी चाहिए थी, ना कि कोई माउंटेन जिसके अंदर जाकर हम नॉर्दर्न रीजन जा सकते थे, बट यहाँ पर कोई टनल देखने को नहीं मिल रही है। एश बोलता है कि चलो ढूंढते हैं, वो टनल यही कहीं होगी। एश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना सब साथ मिलकर उस टनल को ढूंढने लगते हैं, बट उनको कहीं पे भी टनल देखने को नहीं मिलती। एश अपने 4000 के ऊपर बैठ के माउंटेन के पीक पे चला जाता है और वो चारों तरफ से माउंटेन को देखता है। तभी उसको एक जगह पर दो काफी बड़े पत्थर रखे हुए दिखते हैं। एश उस पत्थर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ब्रॉक बोलता है कि वो टनल यहीं कहीं होनी चाहिए, बट वो कहीं छुपी हुई है। इसी के चलते नॉर्दर्न रीजन में जाना काफी मुश्किल कहा जाता है। एश को याद आता है कि उसने दो पत्थर देखे थे, जहाँ पे वो 4000 के मदद से चले जाता है और अपने हुपा को बाहर निकाल कर उसको हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर सारे मचाम मिलकर उन पत्थरों को हटा देते हैं। एश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना को ये देखने को मिलता है कि टनल वहीं पे थी। एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चारों लोग उस टनल के अंदर एंटर कर देते हैं, जिसके बाद एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है। एश देखता है कि वो चार ट्रेंस और वो चार ट्रेंस पूछते हैं कि क्या तुम ही वर्ल्ड चैंपियन एश केचम हो और नॉर्दर्न रीजन जाना चाहते हो? एश बोलता है हाँ। तो वो चार ट्रेंस बोलते हैं कि तुम्हें उससे पहले हमसे फाइट करना होगा, बट इसके कुछ रूल्स है। तुम्हें एक साथ हम चारों से बैटल करना है और तुम सिर्फ एक ही पोकेमोन का यूज कर सकते हो, और ये पूरी टनल आगे भी काफी सारे चैलेंजेस से भरी हुई है। तुम इसके बीच में अपने पोकेमोन्स को हील नहीं कर सकते हो। अगर बाय चांस तुम्हारे सारे 6 पोकेमोन हार जाते हैं तो तुम इस टनल से बाहर निकाल दिए जाओगे और तुम्हारे टास्क रिसेट हो जाएंगे। तुम्हें दूसरे टास्क करने होंगे, फिर जाके तुमको एंट्री मिलने वाली है। एश सुनकर काफी घबरा जाता है, बट उसने अपने 6 बेस्ट पोकेमोन लाए थे जिनके ऊपर उसको पूरा भरोसा था। बैटल स्टार्ट होती है। चारों ट्रेंस एक एक करके अपने पोकेमोन्स को निकालते हैं। पहला ट्रेन अपने पोकेमोन की तरह अलकाज़ाम को निकालता है, सेकंड ट्रेन के पास टायनटार होता है, थर्ड ट्रेन गलेट को निकालता है, वहीं पर चौथा ट्रेन निकालता है गेंगार को। ब्रॉक बोलता है संभल के, ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंस लग रहे हैं। तभी चारों ट्रेंस अपने अपने पोकेमोन्स को मेगा इवॉल्व भी कर लेते हैं। ब्रॉक, मिस्ट्री, सैना और वो चारों ट्रेंस ये सोच रहे होते हैं कि एश अपने कौन से पोकेमोन को यूज करेगा 6 पोकेमोन में से। एश काफी ज्यादा सोचता है और भेजता है अपने ग्रिंजा को। चारों पोकेमोन एक साथ ग्रिंजा के ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्रिंजा सारी अटैक को डॉज कर लेता है। फिर गेंगार यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि ग्रिंजा पे लग जाता है, जिसके चलते ग्रिंजा नीचे गिर जाता है। तभी अलकाज़ाम यूज करता है साइकिक अटैक का, बट वो ग्रिंजा पे असर नहीं करता। ग्रिंजा उठने वाला था, तभी गलेड उसके ऊपर क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज कर देता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था ग्रिंजा पे। तभी ग्रिंजा और एश मर्ज हो जाते हैं और ग्रिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है बॉन्ड ग्रिंजा में। सैना को इसके बारे में पता था, बट ब्रॉक और मिस्ट्री ये देखकर शॉक हो जाते हैं। चार ट्रेंस भी ये देखकर काफी शॉक हो चुके थे। वो बोलते हैं कि अभी तक हमने काफी सारे स्पेशल ट्रेंस को देखा है, बट ये चीज हमने सबसे पहली बार देखी है। ब्रॉक बोलता है कि एश इसका मतलब है कि यहाँ पर और भी काफी सारे स्पेशल ट्रेनर्स हैं, जिनके पास और भी काफी यूनिक फेनोमेना और एबिलिटीज है, बिल्कुल तुम्हारे बॉन्ड एवोल्यूशन के तरह। एश बोलता है कोई बात नहीं, हम सबको देख लेंगे। ये बैटल कंटिन्यू होती है। ग्रिंजा यूज करता है जायंट वाटर शुरिकेन का, जिससे मेगा गलेड और मेगा अलकाज़ाम हार जाते हैं और अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। अब सिर्फ 2 पोकेमोन बचे थे, जो कि थे मेगा टायनटार और मेगा गेंगार। दोनों ही पोकेमोन्स मिलकर ग्रिंजा के ऊपर अटैक करते हैं, बट अब ग्रिंजा की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो सारे अटैक को डॉज करता है और बीच बीच में उनको एरियलेस और कट अटैक का यूज करके डैमेज भी देता रहता है। चारों ट्रेंस ग्रिंजा की पावर देखकर शॉक रह जाते हैं। ग्रिंजा एक और जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करता है, जिससे वो मेगा गेंगार को हरा देता है। अब सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा था, जो कि था मेगा टायनटार। वो ग्रिंजा के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज करता है। वो ट्रेनर बोलता है कि टायनटार यही मौका है ग्रिंजा को खत्म करने का, अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि एश तुम्हें इससे बचना होगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। एश अपने ग्रिंजा को बोलता है कि टायनटार के ऊपर चले जाओ। ग्रिंजा मेगा टायनटार के ऊपर चले जाता है और वाटर पल्स अटैक का यूज करके उसको भी डिफीट कर देता है। वो चारों ट्रेनर अपने हार को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, बट अभी तो बस शुरुआत है, आगे ध्यान से जाना, आगे और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स और चैलेंजेस होने वाले हैं और इनके बीच में तुम अपने पोकेमोन्स को हील भी नहीं कर पाओगे। एश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना आगे बढ़ते हैं। टनल में चलते चलते अचानक से अंधेरा हो जाता है। एश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी काफी सारे पोकेमोन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई भी ये नहीं देख पा रहा था कि वो पोकेमोन कौन से हैं और कहां से अटैक कर रहे हैं। तभी एश अपने हुपा को बाहर निकालता है, वो उसको हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि हुपा अपने रिंग का यूज करके इन सारे पोकेमोन को टेलीपोर्ट कर दो। हुपा एक एक करके सारे पोकेमोन को टेलीपोर्ट कर देता है और वो टनल के बाहर चले जाते हैं।
ब्रॉक बोलता है कि हुपा तुम्हारा सबसे ज्यादा यूजफुल पोकेमोन है, शायद से इसी के चलते तुम पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप जीतोगे। ऐश और हुपा के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सईडा आगे बढ़ते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि बीच में से टनल क्लोज्ड है, यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, बट वहाँ पे 3 बटन्स होते हैं। तभी पिकाचू ऐश के पास एक पेपर लेके आता है। वो पेपर नीचे ही पड़ा हुआ था। उस पेपर में लिखा हुआ था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर देकर बटन क्लिक करो। उस पेपर में इजी मोड लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि तुम इसमें अपने फ्रेंड्स की मदद नहीं ले सकते हो। और क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा पोकेमोन है जो कि अगर एक बार जायगंटामैक्स हो सकता है तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐश सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा पोकेमोन है। तभी उसको याद आता है कि ऐश का पिकाचू भी बिना इवॉल्व हुए जायगंटामैक्स हुआ है, तो शायद से यही आंसर होगा। ऑप्शन होते हैं म्याउथ, ईवी, पिकाचू और चारिज़ार्ड। पिकाचू के लिए ग्रीन बटन क्लिक करना था तो ऐश ग्रीन बटन को क्लिक कर देता है और दरवाजा खुल जाता है, यानी कि आंसर राइट था। सेकंड डोर पे ऐश को एक और पेपर देखने को मिलता है। ये मोड मीडियम मोड था और क्वेश्चन ये था कि तुम ऑब्वियसली पोकेमोन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर प्रोफेसर प्रोफेसर ओक को जानते होगे, बट उनका फर्स्ट नेम क्या है। ऑप्शन थे जॉन, सैम्यूल, एडम और स्टीवन। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी प्रोफेसर ओक का पहला नाम नहीं सुना था, बट उसको याद आता है कि जब सेलेबी ने उसको टाइम ट्रेवल कराया था तो वो एक ट्रिया से मिला था जिसका नाम सैम था और वो बिल्कुल प्रोफेसर ओक का चाइल्डहुड वर्जन लग रहा था। प्रोफेसर ओक भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए ऐश जाता है ऑप्शन बी यानी कि येलो बटन पे जो कि था सैम्यूल। ऐश को पूरी तरह से कंफर्म नहीं था इसलिए वो काफी नर्वस था, बट सरप्राइजिंगली ये आंसर सही निकलता है और गेट खुल जाता है। अब आता है लास्ट मोड यानी कि हार्ड मोड। यहाँ पर अब तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन था जिसको काफी कम ही लोग आंसर कर पाए हैं। ऐश नीचे से पेपर को उठाता है और उसमें लिखा होता है कि हम सबको पता है कि कुछ पोकेमोन ऐसे हैं जिनको मेगा इवॉल्व होने के बाद एक नई टाइपिंग मिल जाती है या फिर उनकी पुरानी टाइपिंग एक न्यू टाइपिंग के साथ रिप्लेस हो जाती है, बट वो कौन सा ऐसा पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद अपनी एक टाइपिंग लूज कर देता है, यानी कि वो डुअल टाइप से एक सिंगल टाइप पोकेमोन बन जाता है। ये काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था और इवन ऐश को भी पोकेमोन टाइपिंग के बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ऑप्शन में थे एरोडैक्टाइल, रेक्वाजा, ऑर्डिनो और एग्रोन। ऐश को पता था कि रेक्वाजा की टाइपिंग सेम रहती है, एरोडैक्टाइल की टाइपिंग भी सेम रहती है, उसको ऑर्डिनो और एग्रोन में कंफ्यूजन था, बट वो सेलेक्ट कर लेता है एग्रोन को। इस बार ऐश को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, वो रेड बटन को दबा देता है, बट इस बार गेट नहीं खुलता। ऐश सोचता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है, इसका आंसर ऑर्डिनो था, बट ब्रॉक बोलता है कि नहीं, तुम्हारा आंसर सही है। एग्रोन एक स्टील और रॉक टाइप पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद एक प्योर स्टील टाइप पोकेमोन बन जाता है। इसके कुछ टाइम बाद वो गेट भी खुल जाता है और ऐश, मिस्ट्री, ब्रॉक और सेना आगे बढ़ते हैं।